जी सर। तो एक तरफ ग्राउंड पर न्यूज 18 JKLH की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन में कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हलचल दिखाई दे रही थी वो हलचल अभी नहीं बनी हुई है। तो कहा यह जा सकता है, ये पुष्टि नहीं बल्कि सूत्र ऐसा कह रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रात में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, फिर सुबह के इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाए, ऐसा अमूमन देखने को मिला है। लेकिन अभी फिलहाल इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश और आतंकियों के मकाम की तलाश भी ड्रोन के जरिए ली जा रही है। वहीं जंगलाती इलाका होने के नाते फोर्सेस को थोड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि संकरी रोड्स हैं और साथ ही साथ पथरीले रास्ते हैं और जंगलाती इलाका है, थोड़ी थोड़ी दूर पर घर है जहां पर निवासी ग्रामीण रहते हैं, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है ताकि इस ऑपरेशन में उन्हें किसी तरह की हानि ना पहुंचे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, लेकिन राजन जो कि वहां पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को घेरे में लेना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज भी हैं, उसे बंद नहीं किया जा सकता, वहां पर किसी तरह की चौकसी नहीं बढ़ाई जा सकती। राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए, लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं, मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पठन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़, लश्कर ए तैयबा से जुड़े दो स्थानीय आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान दो घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हा, सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान, दुश्मन के मंसूबों को में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें आज पांच जवानों की शहादत हुई। फिलहाल ये अपडेट है कि वो आतंकवादी चकमा देकर फरार हो गए हैं जंगल से। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिक्योरिटी और दहशतगर्दों के दरमियान आज मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में धमाके से एक ब्लास्ट भी हुआ, इसमें दो जवान शहीद हुए थे, जख्मी हो गए थे, उनमें वो जानबर ना हो सके, तो पांच जवानों की यहां पर शहादत हुई है। केसरी हिल का ये इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी हुई। फौजी अहलकार शहीद हुए हैं जुमला पांच और कुछ अफसर जख्मी भी हुए हैं। इनकाउंटर साइट पर भारी तादाद में फोर्सेस पहुंची, दिलबाग सिंह जो कि डीजीपी है वो भी पहुंचे, अब मौके से वो रवाना हो चुके हैं। इस वक्त राजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, जिस तरह से हम लगातार इस खबर को बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आतंकवादियों ने
हमला किया, जवानों को शहीद किया, जख्मी किया है और काफी फोर्सेस ने इस इलाके को तलाशी के लिए मुहासरा बनाया था लेकिन वो चकमा देकर भागे। लेकिन जंगल इतना बड़ा है, कहां तक भागेंगे, क्या अपडेट इस वक्त है? क्योंकि जैसे मैंने पहले सुबह से मैंने बताया है कि जो डांगरी है यहां से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहां से जो बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी सटे हुए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से हमने सुबह से ही ये कहा है कि जिस तरह से डिटेन किया कुछ लोगों को पुलिस ने और उनसे जो है लीड्स कहीं पुलिस को सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली और ये साफ हो चुका था कि इन्हीं पहाड़ियों में कहीं वो आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं। क्योंकि डांगरी की घटना जब अंजाम दी गई थी उसके बाद भी तलाशी अभियान जो है काफी गहन चलाया गया था यहां भी, लेकिन उसके तब वो आतंकवादी जो है वो भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। हाल ही में जब पुंछ की घटना हुई है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं उसके बाद इस अभियान को तेज किया गया, तलाशी अभियान को काफी लोगों को जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया, अरेस्ट किया गया, उनसे लीड ली गई और जो ओजीडब्ल्यू से उनको वापस अरेस्ट करके उनकी गहन पूछताछ उनसे की गई। लेकिन जो सुबह जब स्पेसिफिक इनपुट था सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बताया जाता है कि ये जो मेरे पीछे बिल्कुल ठीक पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं यहां पे वो आतंकवादी जो है वो छुपे हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक तलाशी अभियान चलाया गया। जब सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट होते हुए देखा आतंकवादियों ने तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो है गोलियां पहले चलाई हैं, और जो आई विटनेस हमें बताते हैं यहां के मकामी लोग कि 2 बड़े धमाके होते हैं यहां पे, और जिसमें जो शुरुआत में जो नुकसान होता है जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद जो है तकरीबन 1 घंटा जो गोलियों का तबादला है वो होता है, उसके बाद जो सेना की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वहां यहां पे आती है और जबरदस्त जो है फायरिंग आपस में उसका तबादला होता है। लेकिन दोपहर के आते आते जो आतंकवादी हैं वो यकजक गोलियां चलाना जो है वो कम कर देते हैं। अब उनकी कोशिश ये है जिस तरह से कि अब के यहां से अंधेरा होते ही बच निकलने की कोशिश की जाए, क्योंकि जैसे मैंने सुबह से कहा है जिलानी के ये काफी चैलेंजिंग टेरेन है, यहां पे ऑपरेशन चला पाना इतना आसान नहीं होता है और यहां पे आप कॉर्डन इसको कंप्लीटली नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसे कई हाइड आउट जो है आतंकवादियों ने बनाया, नेचुरल रिसोर्सेस है जो पहाड़ों पे हमें देखने को मिलते हैं, कई नेचुरल केव्स होती हैं, पथरीला इलाका है और ऐसे में घात लगा के एम्बुश लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करना ये आतंकवादियों के लिए काफी आसान हो जाता है। जिस तरह से आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बिल्कुल पास में ही एक जो वाटर रिसोर्स है जो एक नदी है जो पहाड़ी की तरफ से ही नीचे आती है, तो आप देख सकते हैं कि इसके आसपास जितना भी डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, यहां पे पहले भी तलाशी अभियान चलाए गए लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये आप इंच इसको जो है छानबीन नहीं करना इतना आसान नहीं है और इसमें काफी डिप्लॉयमेंट जो है वो सेना की, पुलिस की, जवानों की लगती है क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि आतंकवादियों की लोकेशन कहां पे है, इस वक्त कहां वो मौजूद है। आपको आतंकवादी देख सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उस वक्त आतंकवादियों को नहीं देख पाते हैं जब वो तलाशी अभियान चलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो शुरुआत में उन्होंने एक तरह से उनको अंदेशा था कि उन तक सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही पहुंच सकती हैं, उन्होंने एम्बुश लगाया, आईडीस लगाई जिसका विस्फोट किया गया और यहां पे सेना को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अभी इस ऑपरेशन में थोड़ी सी हम कहेंगे कि अभी थोड़ी सी कमी हम देखने में आई है कि ये अभी कुछ देर के लिए जो डिप्लॉयमेंट है वो वापिस जो है यहां पे जो आसपास के मकानों में है वहां लगा दी गई है और यहां ये इसलिए एहतियातन किया गया है कि ये जो जैसे मैंने कहा कि चैलेंजिंग ट्रेन है वो आतंकवादी यहां से इसी डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाते हुए किसी घर में ना घुस जाएं, वहां पे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं रात के वक्त, या यहां से बच निकलने की कोशिश ना करें, इसलिए यहां से ऊपर जितने भी मकान हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और जो नीचे की तरफ जो मकान है वहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। लोगों को कहा है कि वो घरों में ही रहें, रात के वक्त बाहर ना निकलें क्योंकि आतंकवादियों को आपको अब जैसे
जैसे कि वो आम लोगों में भी आके मिलने की कोशिश कर सकते हैं। जहां मैं अभी मौजूद हूं यहां पे डिप्लॉयमेंट आसपास के मकानों में आसपास के पहाड़ों पे बहुत ज्यादा कर दी गई है जिलानी, जिसका साफ संकेत यही है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज भी जानती हैं कि ये लंबा ऑपरेशन खिंच सकता है और ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि गोलियों का तबादला नहीं चल पा रहा है और अभी ये भी नहीं मालूम है कि जो आतंकवादी हैं उनकी सही लोकेशन वो कहां पे है, क्योंकि कई हाइड आउट जिलानी इन्होंने बनाए होते हैं जंगलों में जिनका पता केवल इन आतंकवादियों को होता है। कई रास्ते जो है ऐसे, क्योंकि लोकल सपोर्ट जैसे मैंने पहले कहा इन तक हमेशा आती रही है, पहुंचती रही है, तो लोकल सपोर्ट के चलते भी ये आतंकवादी यहां से छिप निकल के कोशिश कर सकते हैं कि यहां से निकल जाए और वापस किसी अन्य घटना को अंजाम दें। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज की ये कोशिश होगी कि अगर इनको यहां पे अगर इसी इलाके में ये मौजूद हैं तो इनको जीरो इन करके इनको जल्द से जल्द इनका सफाया किया जाए, ताकि G20 की मीटिंग से पहले किसी बड़ी घटना को ये अंजाम ना दे पाए, क्योंकि G20 की मीटिंग से पहले इस तरह के इनपुट्स पहले से ही थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां से भी घुसपैठ करवा के आतंकवादियों को ये जो उनके आका है उनकी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाई जाए, वहां पे इस तरह के आतंकवादी हमले किए जाएं, क्योंकि हमने एक जो अटेम्प्ट देखा था इनका पूंछ में जिसमें 5 जवान शहीद हो गए वो यकजक अटैक नहीं था जिलानी, उसमें एक प्लैंड अटैक था वो, जिसके चलते पहले रेकी हुई थी और आतंकवादियों को असला मुहैया हुआ था, आतंकवादियों को वो लोकेशन तक पहुंचाया गया, आतंकवादियों ने कई दिनों तक वो वॉच किया होगा कि यहां से जो मूवमेंट है वो सेना की होती है और वो जो ट्रक्स होते हैं ट्रक्स में होती है, किस तरह की मूवमेंट है, किस तरह का पीछे डिप्लॉयमेंट है, तमाम चीजें जो है वो लोकल सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। अच्छा, यहाँ इतना पहाड़ी इलाके में कोई दुकान भी हमें आसपास नहीं दिखी, इसका मतलब है अगर ये आतंकवादी इस पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हैं तो यहाँ इन तक जो रसद है, जो खाने पीने की चीजें हैं या बाकी सामान है, ये भी जो लोकल सपोर्ट के बिना इन तक नहीं पहुंच सकता है। ये तो जाहिर सी बात है जिलानी के लोकल सपोर्ट इनको मिली हुई थी, अब वो बंदूक की नोक पे मिली थी या वाकई ही कुछ OGW जो पहले इनएक्टिव हो गए थे क्या वो अब एक्टिव हो गए हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से अभी मीडिया को कोई अधिकारी जो है वो बयान नहीं दिया गया है, हालांकि सीनियर ऑफिसर वो तमाम यहां पे मौजूद थे। हमने न्यूज 18 में भी पूछने की उनसे कोशिश की कि कब तक आपको लगता है कि एनकाउंटर की समाप्ति हो सकती है, कब तक हम जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको हम ढूंढ निकाल के ढेर कर देंगे, और उन्होंने हालांकि इस पर जवाब नहीं दिया, और इसका मतलब है कि अभी पुलिस अपनी स्ट्रेटजी जो सामने नहीं लाना चाहती है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्योंकि रात का वक्त अब हो चला है, हल्का सा अंधेरा यहां पे अब होने लगा है तो जिलानी, तो ऐसे में जिस तरह से सीनियर ऑफिसर यहां से चले गए हैं और गोलियों का तबादला बंद हो गया है, तो हम ये कहेंगे अभी फिलहाल अभी इस एनकाउंटर साइट पे शांति बनी हुई है। जी जी राजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अफसर चले गए लेकिन फोर्सेस को वहां पर लगा दिया गया है, तो और आसपास के जो मकान है वहां पर भी, और इस इलाके को क्या अभी भी घेरे में रखा गया है, फोर्सेस ने घेरे में ले रखा है ताकि वो वहां से मजीद मूवमेंट करते बाहर ना निकले, अगर वो है तो उसी जंगल में रहेंगे और कल सुबह हो सकता है इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल जिलानी, मैंने जिस तरह से पहले बताया कि जो हालांकि डिप्लॉयमेंट इस तरह से की गई है कि जितने भी मकान हैं यहां पे, जितने भी रिहायशी मकान हमने देखे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अपनी पोजीशंस ले ली है, तो उनका मकसद यही है कि वो किसी रिहायशी मकान में ना पहुंच के अपनी वहां से कोई उनको मदद ना मिले और या वहां कोई वो नुकसान ना पहुंचा पाए। तमाम तरह की बातें इस वक्त जो है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, और डिप्लॉयमेंट इन्होंने यहां पे किया हुआ है और कोशिश यही है कि ये इसको जो अपना ग्रिड है उसको टाइट किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से पहले हम मूवमेंट देख रहे थे कि एक तरह से पहाड़ी के ऊपर जाते हुए हमें सेना के जवान दिख रहे थे, अब वो नहीं है, कुछ डिप्लॉयमेंट पीछे आया है और डिप्लॉयमेंट अब वो आसपास के जो रिहायशी मकान है उनमें जो है छतों पर वो बैठा हुआ है और यही अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है ताकि कोई मूवमेंट हो या कोई फायरिंग हो या कोई गोलियों का तबादला हो तो एकदम से रिटेलिएट वो कर सके। लेकिन फिलहाल जो है यहां पे शांति अजीब सी बनी हुई है, टेंशन का माहौल है इस वक्त, काफी संवेदनशील माहौल बना हुआ है, लेकिन अजीब सी एक शांति है और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और कभी भी यहां पे वापस इंकाउंटर की शुरुआत हो सकती है। और लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि आतंकवादी फिलहाल यहां पे फायरिंग बंद है और आतंकवादी ठीक मेरे पीछे पहाड़ी पे कहीं छुपे बैठे हैं। जी राजन, जिस तरह से आपने बताया कंडी इलाका है, राजौरी का केसरी हिल है, तो ऐसे में इनका टारगेट क्या हो सकता था,
क्या फोर्सेस यहां से मूव करती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, ये किसको टारगेट बना सकते हैं, आसपास के कितने किलोमीटर तक इनका रेंज हो सकता था, किस क्या कोई बड़ा जो है हमला करने की कोशिश कर सकते थे, आसपास के इलाके का भी थोड़ा सा हमको और जनता को थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए जिलानी, ये तकरीबन जो है डांगरी से 40 किलोमीटर दूर का इलाका है। हालांकि डांगरी में ज्यादा अटैक नहीं हुए, हमने देखा पहली जनवरी को अटैक हुआ वहां पे और सिविलियंस को निशाना बनाया गया, लेकिन बुद्दल का इलाका है, ये बुद्दल के इलाके के पास है, तो बुद्दल का इलाका जो है वो हमेशा से आतंकवादियों के लिए एक पनाह हमेशा से साबित हुआ है। पहले भी जब जम्मू सूबे में मिलिटेंसी आतंकवाद पीक पे था तो इसी बुद्दल के इलाके में और कालाकोट के इलाके में, मेंढर के इलाके में, इस तरह के इलाकों में ये आतंकवादी चलते थे। यहाँ पे पहले लोगों के घरों पे जाके वहीं से खाना लेते थे, उनको बंदूक की नोक पे डराया धमकाया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि उनके लिए रैकी की जाए, उनके बच्चों को होस्टेज रखा जाता था और उनको एक शख्स को कहा जाता था कि आप जाइए और हमारे लिए रैकी करके आइए, आप देखिए आप मूवमेंट किस तरह से हो रही है या हमारा असला जो है कहीं आने वाला है वो आप लेकर आइए। तो लोकल्स की हेल्प बंदूक की नोक पे भी ये लेते आए हैं, ये इतिहास है। लेकिन बीच में जिलानी एक ऐसा समय आया कि ये इलाका वापस जो है यहाँ इस इलाके में शांति आ गई, इस इलाके में जो आतंकवाद था वो खत्म हो गया और वापस जो है लोग शांति चाहने लगे। लेकिन शायद पाकिस्तान ने अब वापस अपनी स्ट्रेटजी ये बनाई है कि वापस जो आतंकवाद है उसको जम्मू सूबे में रिवाइव किया जाए, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में चलाया गया है उसके चलते आतंकवादियों का सफाया हो चुका है और जिस तरह से अब गिने चुने जो है आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, वापस जो है हमारे जो ओजीडब्ल्यू जो पहले इनएक्टिव हो चुके थे या सरेंडर मिलिटेंट हैं उनको किसने किसने लुभावने उनको जो है लॉलीपॉप देकर जो है वापस मिलाया जाए अपने साथ। इस तरह के इनपुट्स हैं, जिस तरह से मैंने कहा एक तो बंदूक की नोक पे भी जो है ये काम करवाते हैं और दूसरा जो है कई ओजीडब्ल्यू जो पैसे के लालच में जो है इनका साथ फोर्सेस ने अब अपना बासरा बना रखा है। ये चूंकि अंधेरा है, आपने भी लगातार सुबह से ये खबर दी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये आतंकवादी मारे जाएं। इस वक्त हम सीधे लिए चलेंगे आपको वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्ट कंक्लूडेड मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द SCO व्हिच वाज चेयर्ड बाय ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू हैव हिम हियर इन पर्सन विद अस to give us a sense of the developments and the discussions that have taken place over the last 1.5 days. Also joining us on the dais, Shri Vinay Quatra, Foreign Secretary, sir, Shri Dammu Ravi, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs, as well as Shrimati Yojana Patel, Joint Secretary, SCO Division, as well as the National Coordinator for SCO from India. With that, sir, I would request you, sir, to perhaps say a few opening remarks and then we can take a few questions. Friends from the media, we have just concluded the SCO Council of Foreign Ministers meeting today here in Goa. This was chaired by India for the first time. Foreign ministers of SCO member states, the Secretary General of the SCO and Director of SCO RATS took part in the meeting. During the meeting, the SCO foreign ministers assessed the status of decisions that will be approved at the upcoming SCO summit in July. The meeting also gave an opportunity to dwell on the state of multilateral cooperation in SCO, to address regional and global issues of interest, talk about the reform and modernization of the organization, and assess the progress of admitting Iran and Belarus to SCO as new member states. As you are all aware, Prime Minister Modi had articulated India's priorities for the SCO chair with the theme of towards a secure SCO. The acronym SECURE was given by Prime Minister because it lays out the main focus under our ongoing chairship, and SECURE stands for security, economic development, connectivity,
unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environmental protection. I would also like to inform you that under our ongoing presidency, we have successfully hosted more than 100 meetings and events so far, including 15 ministerial levels or head of agency meetings. Many of the socio-cultural events hosted by India were the first of its kind in the framework of the SCO. The designation of Varanasi, Kashi, as the first ever SCO cultural and tourist capital for 2022-23, I think deserves special mention. It was our endeavor to create new verticals of cooperation in SCO, and as an example, I can cite the field of startups and innovation, traditional medicine, science and technology, empowering youth, and reviving the Buddhist heritage amongst the SCO member states. The work to implement these verticals is already underway, and it is being spearheaded by India. We are also committed to strengthening and further deepening the cooperation within the framework of SCO. And many of our initiatives and steps were in that direction. We have opened up new areas of cooperation and intensified engagement among member states. We hope to continue the momentum of our interaction, and we are obviously looking forward to the summit in July. In the course of these 2 days, I also held fruitful bilateral interactions with my counterparts from Russia, China, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. All ministers reaffirmed their support to India as the chair of SCO and expressed their appreciation for the contribution of India to that organization. I also met the Secretary General of the SCO and discussed the diversification and the deepening of SCO agenda. As regards the bilateral relationships, let me start with Russia. FM Lavrov and I noted the progress that has been made in our economic cooperation. We exchanged views on a number of regional and global developments. Since the G20 meetings are ongoing, and there's a BRICS foreign ministers meeting which is coming up soon, these two were also the subject of our discussion. Where FM Qinggang of China is concerned, much of our attention, I think predictably, went to the disengagement issue in the Western sector. Yeah, but here again, the G20 and BRICS featured in the talks because China is a member of both groupings. With Minister Saidov of Uzbekistan, it was a warm first meeting. We took stock of our bilateral ties and agreed to have another conversation soon. This was also the case with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Nutliu of Kazakhstan. With my Tajik and Kyrgyz counterparts, Foreign Minister Sirajuddin and Kulubayev, now they are long-standing friends with whom we have a rolling, ongoing conversation. नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। That I would like to share with you is that of a productive SCO Council of Foreign Ministers meeting. I think it was useful in preparing the ground for the summit. So those are some opening thoughts, and I would be delighted to take questions. Thank you, sir.
नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से।